जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शिक्षा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। वाटिकन रेडियो ने अपना 93वां वर्षगांठ मनाया। आर्च बिशप राफेल ने सरकार से लोगों को हाथियों के हमलों से बचाने का आग्रह किया। मंदिर खुलने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई संबंधों की सराहना की। चर्च भूमि विवाद को लेकर झड़प में 21 ईसाई घायल। कैथोलिक स्कूल ने कथित हिंदू विरोधी टिप्पणियों के लिए धर्म बहन को निलंबित कर दिया। कर्नाटक के पहले सिरोमालाबार धर्म प्रांत ने रजत जयंती मनाई। उदयपुर धर्म प्रांत ने पास्टोरल सेविकाई को डिजिटल बनाया। अब जानते समाचार विस्तार से। वाटिकन रेडियो ने अपना 93वां वर्षगांठ मनाया। 12 फरवरी 1931 को पॉप के रेडियो वाटिकन रेडियो की स्थापना और 13 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व रेडियो दिवस जबरदस्त तकनीक विकास से चिन्हित माध्यम के जीवन में दो महत्वपूर्ण अध्यायों को फिर से देखने का अवसर है, जो शुरू से ही पृथ्वी के कोनों कोनों तक लोगों के बीच पहुंचने के अपने मिशन को बनाए रखा है। 20वीं सदी में ये दो दिन जो फरवरी के महीने में लेकिन अलग अलग वर्षों में दुनिया में संचार के सबसे व्यापक माध्यमों के इतिहास से जुड़े 12 फरवरी 1931 को पोप पायस 11वें ने वाटिकन रेडियो का उद्घाटन किया। आर्च बिशप राफेल ने सरकार से लोगों को हाथियों के हमलों से बचाने का आग्रह किया। केरल में वन्य जीवों के हमलों की नवीनतम श्रृंखला में एक हाथी द्वारा एक व्यक्ति को कुचलकर मार डालने के बाद भारत के पूर्वी अनुष्ठान सिरोमालाबार चर्च के प्रमुख ने कहा कि सरकार को वन्य जीवों पर मानव जीवन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। केरल स्थित चर्च के प्रमुख मेजर आर्च बिशप राफेल थडातेल ने कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली राज्य सरकार से राज्य की पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट की परिधि में रहने वाले किसानों की सुरक्षा के लिए गंभीर कदम उठाने का आग्रह किया। आर्च बिशप राफेल ने अपने 10 फरवरी के बयान में कहा, मनुष्यों की तुलना में जानवरों के जीवन को अधिक महत्व देने का दृष्टिकोण एक सांस्कृतिक समाज के लिए अच्छा नहीं है। मंदिर खुलने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई संबंधों की सराहना की। भारतीय प्रधानमंत्री ने मंगलवार को खाड़ी राज्य के मध्य पूर्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए यात्रा शुरू करते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। पिछले 8 महीनों में संयुक्त अरब अमीरात की अपनी तीसरी यात्रा की शुरुआत में उन्होंने दोनों सरकारों द्वारा एक प्रमुख व्यापार और परिवहन मार्ग पर एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद बात की। उनकी 2 दिवसीय यात्रा अप्रैल में होने वाले भारत के राष्ट्रीय चुनाव से पहले हो रही है और विशेषज्ञों के अनुसार ये काफी हद तक प्रवासी भारतीयों को प्रेरित करने पर केंद्रित है। चर्च भूमि विवाद को लेकर झड़प में 21 ईसाई घायल। भारत के मेथोडिस्ट चर्च के शीर्ष नेता का कहना है कि 13 फरवरी को भूमि विवाद को लेकर हिंदुओं के एक समूह ने दक्षिणी भारत के गांव में कम से कम 21 ईसाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 21 ईसाई घायल हो गए। मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के प्रमुख बिशप एम ए डैनियल ने कहा, तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले के जनवाड़ा गांव में हुई हिंसा में हमारे 21 अनुयायी घायल हो गए। भूमि विवाद गांव में मेथोडिस्ट चर्च के पास एक सार्वजनिक सड़क के चौड़ीकरण से जुड़ा है। राज्य की राजधानी हैदराबाद में स्थित बिशप डैनियल ने 14 फरवरी को बताया कि 12 लोग एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनमें से 3 की हालत गंभीर थी। उन्होंने कहा, 9 अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कैथोलिक स्कूल ने कथित हिंदू विरोधी टिप्पणियों के लिए धर्म बहन को निलंबित कर दिया। मैंगलोर के एक कैथोलिक स्कूल ने कथित तौर पर हिंदू देवता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अपने एक धर्म बहन शिक्षक को निलंबित कर दिया। 12 फरवरी को गोरोसा हाई स्कूल के छात्रों को हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय विधायक द्वारा जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया था। यह परेशानी एक छात्र की मां की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद शुरू हुई। इसमें आरोप लगाया गया कि धर्म बहन ने फरवरी की शुरुआत में एक नैतिक शिक्षा कक्षा के दौरान हिंदू देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। 12 फरवरी को विधायक वेद व्यास कामत के नेतृत्व में हिंदू समूह ने स्कूल में घुसकर शिक्षिका मैरी प्रभा सेल्वरास को तत्काल निलंबित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों के दबाव के आगे झुकते हुए मारिया बाम्बिना की बहनों द्वारा प्रबंधित स्कूलों ने धर्म बहन
तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और इस पद पर एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया। कर्नाटक के पहले सिरोमालाबार धर्मप्रांत ने रजत जयंती मनाई। गरीबों और हाशियों पर पड़े लोगों के लिए विकल्प भारत में सिरोमालाबार चर्च का एकमात्र मिशन है। मेजर आर्चबिशप राफेल ने कर्नाटक में बेल्थागड्डी धर्मप्रांत के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा, बेल्थागड्डी केरल में पहला सिरोमालाबार धर्मप्रांत है जिसे 1999 में बनाया गया था, जो केरल से विस्थापित कैथलिकों की सेवा करता है। बेल्थागड्डी के पहले बिशप लॉरेंस मुखुजी ने भी एक एपिस्कोपल समन्वयक की अपनी रजत जयंती मनाई। आर्चबिशप राफेल ने कहा, मैं अपने विश्वास को जीवित रखने और आसपास के लोगों को गवाही देने के लिए कर्नाटक के प्रवासी समुदाय की सराहना करता हूं। उन्होंने कर्नाटक के लोगों को उन्हें स्वीकार करने के लिए धन्यवाद भी दिया। उदयपुर धर्मप्रांत ने पास्टोरल सेविकाई को डिजिटल बनाया। कैथलिक समुदाय के भीतर तकनीकी एकीकरण के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में राजस्थान में उदयपुर धर्मप्रांत के 60 पुरोहितों ने उत्साहपूर्वक कैथलिक कनेक्ट ऐप को अपनाया है। भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI ने वैश्विक कैथलिक समुदाय के भीतर संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ कई आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करने के लिए ऐप लॉन्च किया। कैथलिक कनेक्ट ऐप, जिसने अपने उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस और व्यापक सुविधा के लिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त की है, विश्वासियों के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करता है। ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जो उनके आध्यात्मिक यात्रा और चर्च के साथ संबंध को बढ़ाती है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरिटास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RBA मोबाइल ऐप। RBA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाइयत की आवाज का हिस्सा बनें। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RBA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।